जय हिंद दोस्तों। दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों बहुत लोग ऐसे हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं। देश की सेवा करने के लिए कुछ लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहे, कोई अच्छे रास्ते नहीं मिल रहे, कौन से रास्ते पे जाके हम देश की सेवा कर पाए। तो कुछ भाई ऐसे हैं कि जो किसी ना किसी माध्यम से किसी ना किसी कोई भी कोई कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं देश की सेवा करने के लिए, देश के लोगों की सेवा करने के लिए। अगर हम चाहते हैं हम देश की सेवा करें, देश भक्ति हमारे दिल में है, देश प्रेम हमारे दिल में है, हम अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और खासकर हमारे देश के जो नौजवान हैं, जो नई पीढ़ी है, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकती है। अभी हम लोग को अपनी सोच थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। जहाँ पे हम सोचते हैं ना कि सरकार हमको हमारे लिए कुछ करे, गवर्नमेंट हम हमारे लिए कुछ करे, लेकिन अगर भगत सिंह ऐसा सोचता, अगर भगत सिंह ऐसा सोचता तो वो आज शहीद नहीं होता। भगत सिंह ऐसा सोचता तो इस शहीद नहीं होता। क्यों? उन्होंने किसी दूसरे को डिपेंड नहीं रहे, उसने खुद करने की सोची। भगत सिंह ने खुद करने की सोची कि मैं अपने देश के लिए कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन फरंगियों को इस देश में नहीं रहने दूंगा। वो एक जज्बा था। वो जज्बा हमको अपने अंदर भरना है, कोई दूसरे को नहीं देखना। वो क्या कर रहा है करने दो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं वो सोचना है। हमको ये करना है कि हमारा देश ऊपर जाए, हम अपने देश को आगे लेके जाना है हमको। और अपने देश के लिए हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं कि हम पड़ोसियों की इन्फॉर्मेशन रखें, दूसरों की नहीं, देश की। हम देश हित में क्या कर सकते हैं उसके लिए हम लोगों को नॉलेज लेनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जनरल नॉलेज, कहाँ से कहाँ तक हमारा देश कैसा है, कैसा हो सकता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आप अपने सुझाव नेट सोशल मीडिया पे आप डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना जिसके पास कोई भी आइडिया है, जिसके पास कोई भी आइडिया है, कैसा भी आइडिया, लेकिन देश देश हित में होना चाहिए। लेकिन देश हित में नहीं है अगर वो आइडिया आपका देश हित के बजाय देश के सर्वनाश की ओर है, तो आप देशभक्त नहीं माने जाएंगे। तो आपको देशभक्ति के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। आपको क्या करना है, खाली देश के लिए, अपने देश के लिए आप क्या कर सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचना। हर एक भाइयों के आगे मेरे हर एक भाइयों के आगे मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश की सेवा करें, अपने देश के लोगों की सेवा करें, जो कि अपने देश या देश में सबसे ज़्यादा गरीब आदमी, गरीब लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, किसी के पास घर घर नहीं है, कुछ नहीं है, खाना नहीं है, हम उनकी हेल्प करें। और उनकी हेल्प करने के साथ साथ उनको ये मोटिवेट करें कि आप जो आदमी काम कर सकता है वो काम करे, लेकिन ऐसा नहीं कि खाली बैठ के मांगना चालू कर दे। सब लोग मांगना चालू, मांगना नहीं, सब में आत्मविश्वास भरना है। उनको भीख दे के, उनको जब भी हम भीख देते हैं ना, उनको आदत खराब नहीं करनी, हमने उनकी आदत सुधारनी है। आदत सुधारने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, हम उसको कोई बिजनेस खोल के दे देंगे, बिजनेस खोल के देंगे, कुछ काम खोल के दे देंगे, वो अच्छा है। लेकिन अगर किसी को हम दारू पिलाते हैं, नशा खिलाते हैं, नशा बिल्कुल बंद, जहाँ पे नशा बिकता है वहाँ पे आप कोई भी आदमी सोशल मीडिया पे, आप बहुत आप वीडियो देखा होगा आपने कि सोशल मीडिया पे बहुत वीडियो वायरल होती है, कोई नशा भी।